हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का प्लॉट साइज देखेंगे दोस्तों। 30 फीट बाय 30 फीट का 900 स्क्वायर फीट का नक्शा है हमारा। उसका कॉर्नर प्लॉट है, एल शेप में आपका प्लॉट रहेगा। दो साइड आपकी रोड रहेंगी, फ्रंट साइड एंड आपकी जो राइट साइड रहेंगी, यहाँ पे आपकी रोड है। बाकी दोनों साइड अदर प्रॉपर्टीज हैं। सो 100 गज के मकान का नक्शा रहेगा। ड्यूप्लेक्स हाउस है, 3 BHK हाउस प्लान है विद मल्टीपर्पज रूम सेपरेट। प्लान के की फीचर्स देख लें तो कॉर्नर प्लॉट है, स्टेयरकेस इनसाइड से है, सो ड्यूप्लेक्स है। ड्राइंग रूम रहेगा, किचन है, 3 बेडरूम्स हैं, 5 टॉयलेट्स हैं आपके पास, ओपन टेरेस रहेगी आपके पास, 2 व्हीलर पार्किंग है, मल्टीपर्पज हॉल है। 3 फ्लोर्स का ये जो है बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड। एस्टिमेटेड इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 24 लाख के आसपास रहेगी फॉर इट स्ट्रक्चर। सो चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा लें, सो दैट हमारी कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए प्लान की तरफ चलेंगे। तो गाइज, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान रहेगा। फ्रंट साइड में आप देखेंगे रोड है, आपके राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर रोड है। बाकी इधर दोनों साइड अदर प्रॉपर्टीज हैं, सो वहाँ पर आपका एनक्लोज रहेगा, वहाँ पर आप अपनी ओपनिंग्स नहीं दे सकते। इन दोनों साइड आप अपनी ओपनिंग्स दे पाएंगे। ग्राउंड फ्लोर रहेगा, स्लैब एरिया देखेंगे 1030 स्क्वायर फीट का हमारा जो है प्रोजेक्शन रहेंगी, स्लैब एरिया रहेगा। प्लॉट एरिया देखेंगे 900 स्क्वायर फीट का है। इसके अलावा जो है प्रोजेक्शन डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये हमने ऊपर ऑन रोड आपको प्रोजेक्शन प्रोवाइड की है। आइए प्लानिंग की तरफ चलेंगे। सो यहाँ सेंटर से आप एंट्री करेंगे, ये आपका स्लाइडिंग गेट रहेगा। स्लाइड करते हुए आप अपने घर के अंदर एंट्री करेंगे। ये स्पेस हमने आपको दिया है फॉर द 2 व्हीलर पार्किंग। स्पेस रहेगा 12.5 फीट बाय 8 फुट 9 इंच का। स्टेप्स के थ्रू आप अपने प्लिंथ लेवल पे पहुंच जाएंगे और अपने घर के अंदर एंट्री करेंगे। एंट्री करेंगे आप अपने लॉबी स्पेस के अंदर, जिसकी डायमेंशन रहेगी 10 फीट बाय 9 फीट 4.5 इंच। जो डायमेंशन है आपकी इस पॉइंट से लेकर आपकी जहाँ से शेयर के स्टार्ट हो रही है वहाँ तक रहेगी। सो ये एरिया आपका 10 फीट का रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे अपने राइट साइड में, यहाँ पे आप अपने स्टेयर केस रन करेंगे। 3 फीट वाइड स्टेयर केस रहेगी, 10 इंच का इसका ट्रेड रहेगा। एंड्राइजर आप अपनी स्लैब हाइट के हिसाब से इसको अकोमोडेट कर लेंगे। राइट साइड में स्टेयर केस के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक दरवाजा दिखेगा, जो कि आप खोलते ही अपने कॉमन टॉयलेट के अंदर एंट्री करेंगे। साइज रहेगा 5.5 बाय 8 फुट 9 इंच का कॉमन टॉयलेट रहेगा। एंट्री करके आप लेआउट देखेंगे तो ये आपका वॉश स्टेशन रहेगा, फिर आपके WC रहेगी एंड लास्ट में आपका बेथिंग स्पेस रहेगा। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप इसको दें, नहीं तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। 5.5 बाय 6 फिट का आप यहाँ पर अपना टॉयलेट दे सकते हैं, जो कि कॉमन टॉयलेट खाली आपका WC एंड प्लस आपका वॉश बेसिन रहेगा, उसके लिए सफिशियंट रहेगा। लॉबी से ओपनिंग के थ्रू आप अपने ड्रॉइंग रूम के अंदर एंट्री करेंगे। 10 फीट बाय 18.5 फिट की डायमेंशन रहेगी आपके ड्रॉइंग रूम की। सो ओपनिंग रहेगी यहाँ पे, ओपनिंग के थ्रू आप फर्नीचर लेआउट देखेंगे तो सामने यहाँ पे आपने सामने हमने आपको यहाँ पे 2 सोफा सेटिंग दी हैं सेंटर टेबल के साथ। एंड आगे की तरफ देखेंगे सो एल शेप में आप यहाँ पे अपनी सोफा लगाएंगे, सामने की वॉल पे टीवी पैनल लगाएंगे। एंड इस तरीके से आप अपनी 6 सीटर जो है सोफा सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, 2 आप यहाँ पर बिठा सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए देखेंगे आप ऑन रोड यहाँ पर अपनी विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। लॉबी से अब आगे की तरफ चलेंगे दोस्तों। सो आपका मास्टर बेडरूम वाला एरिया आ जाएगा यहाँ पर। लॉबी से आप दरवाजे में एंट्री करेंगे अपने मास्टर बेडरूम में। साइज रहेगा 15 फिट बाय 10 फिट का। सो एंट्री करते ही आप लेआउट देखेंगे, सामने आप यहाँ पे अपनी सोफा सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, इस तरीके से बेडिंग करेंगे, सामने टीवी पैनल लगाएंगे। वेंटिलेशन के लिए जो आपकी राइट साइड वाली जो रोड रहेगी वहाँ पर हमने आपको विंडो प्रोवाइड की है। अटैच ड्रेसिंग मिलेगा आपको, अटैच टॉयलेट रहेगा। ओपनिंग के थ्रू आप ड्रेसिंग में एंट्री करेंगे बेडरूम के थ्रू। डायमेंशन देखेंगे 7.5 बाय 5 फिट 9 इंच की आपकी डायमेंशन रहेगी। 2 फिट के आप यहाँ पे अलमीरा प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप 8 फिट लेंथ में प्रोवाइड कर सकते हैं। इस वॉल पे हमने आपको ड्रेसर प्रोवाइड किया है। साथ में आप देखेंगे हमने आपको यहाँ पे यूटिलिटी एरिया दिया है, 7.5 बाय 4 फिट का ये ओपन टू स्काई स्पेस रहेगा, जो कि आप कपड़े वॉश वगैरह करने के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। साथ में जो टॉयलेट रहेगा इसके वेंटिलेशन के लिए भी ये जो एरिया है वो रिक्वायर्ड है। ड्रेसिंग से आप टॉयलेट के अंदर एंट्री करेंगे, 2.5 फिट का दरवाजा रहेगा। टॉयलेट की डायमेंशन देखेंगे 5.5 बाय 10 फिट का आपका टॉयलेट रहेगा। सो लेआउट देखें तो एंट्री करेंगे यहाँ पे इस वॉल पे, पूरी वॉल पे आप अपनी स्लैब डाल के वॉश बेसिन प्लेस करेंगे। सामने यहाँ WC प्लेस करेंगे, पीछे आप ये 2.5 फीट का बेथिंग एरिया यूज में ला सकते हैं। तो पूरे फ्लोर पे आप अगर देखें तो आपको 2 व्हीलर पार्किंग मिलेगी, ड्राइंग रूम रहेगा या आपका कॉमन टॉयलेट रहेगा। पीछे की तरफ आप देखेंगे पूरा आपका मास्टर बेडरूम ड्रेसिंग एंड उसका जो टॉयलेट रहेगा वो रहेगा। लॉबी के अंदर वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे आपको 3-3 फीट की स्लेट दी है विंडो की। तो ये हमारा प्लान था ग्राउंड फ्लोर प्लान। फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलेंगे दोस्तों। सीढ़ियाँ स्टेयरकेस इस्तेमाल करते हुए हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। इस तरीके से आप अपनी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस रन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है। इस तरीके से आप अप चलेंगे फॉर द सेकंड फ्लोर एंड यहाँ से आप डाउन जा सकते हैं फॉर द ग्राउंड फ्लोर। सो ये हम लॉबी के अंदर एंट्री करते हैं। डायमेंशन मिलती है आपको 11.5 बाय 9 फुट 4.5 इंच की।
इस स्पेस के अंदर हमने आपको एज इन डाइनिंग स्पेस यूज किया है। इस तरीके से छोटी 5 सीटर डाइनिंग आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये कॉर्नर हमारे पास बचता है, यहाँ से यहाँ पर हमने आपको क्रोकरी यूनिट प्रोवाइड की है। सो इस फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम्स मिलेंगे, साथ में अटैच टॉयलेट मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ पर किचन प्रोवाइड होगी। सो ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है हमारा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये लॉबी रहेगी। लॉबी से आप ऊपर की तरफ देखेंगे सो जो ग्राउंड फ्लोर पे आपका मास्टर बेडरूम था उसके ऊपर हमने आपको किचन प्रोवाइड की है। 15 फुट बाय 10 फुट की आपकी किचन है। सबसे पहले हम किचन का लेआउट देखेंगे। वेंटिलेशन के लिए हमने सेम आपको जैसे ग्राउंड फ्लोर पे विंडो प्रोवाइड किया उसी साइज के आप फर्स्ट फ्लोर पे किचन के लिए भी विंडो प्रोवाइड करेंगे। ओपनिंग के थ्रू आप अपने किचन में एंट्री करेंगे एंड इस तरीके से वर्किंग काउंटर हमने एल शेप में प्रोवाइड किया है। ईस्ट फेसिंग आप यहाँ पर कुकिंग करेंगे। सो यहाँ पर हमने आपको गैस प्रोवाइड की है, यहाँ पर आपको डाइनिंग काउंटर प्रोवाइड किया है, 1 फीट का डाइनिंग काउंटर रहेगा। ये स्पेस रहेगा आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, रेफ्रिजरेटर वगैरह के लिए। ये स्पेस आपका सिंक के लिए, प्लस आपका यहाँ पर आप इस स्पेस में अपना आरओवी प्लेस कर सकते हैं काउंटर के नीचे। सो एक किचन का लेआउट है। वेंटिलेशन के लिए विंडो रहेगी, साथ में आप इस शाफ्ट के थ्रू इसकी जो सर्विसेज हैं पाइप्स वगैरह हैं वो यहाँ से आप नीचे उतारेंगे एंड साथ ही आप डाइनिंग एरिया रहेगा जिससे इस डाइनिंग को आप इस्तेमाल करेंगे किचन के नियर बाय होने की वजह से। नीचे देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले बेडरूम रहेगा। लॉबी से आप बेडरूम के अंदर एंट्री करेंगे। 16 फीट बाय 12 फीट का आपका स्पेस है। नीचे यहाँ पे पार्किंग प्लस आपकी एंट्री रहेगी। ये आपका पाउडर रूम था, यहाँ इस पाउडर रूम के ऊपर हमने कॉमन टॉयलेट था उसके ऊपर हमने आपको अटैच टॉयलेट ड्रेसिंग दिया है इस बेडरूम का। 16 फीट बाय 12 फीट का आपका बेडरूम रहेगा। लेआउट देखेंगे, इस तरीके से बेडिंग करेंगे, सामने टीवी पैनल लगाएंगे, इस वॉल पे आप अपनी अलमीरा प्लेस कर सकते हैं, यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए सामने टीवी पैनल के अलावा दोनों तरफ आप अपनी विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। ओपनिंग के थ्रू ड्रेसिंग में एंट्री करेंगे, 5.5 बाय 5 फीट की ड्रेसिंग रहेगी। इस वॉल पर आप अपनी अलमीरा प्लेस करेंगे, यहाँ पर आप अपना ड्रेसर प्लेस करेंगे जिसके थ्रू आप अपने टॉयलेट में एंट्री करेंगे। 5.5 बाय 6 फुट 9 इंच का आपका टॉयलेट है। लेआउट की बात करें तो एंट्री करते ही आपको वॉश बेसिन मिलेगा, फिर ये डब्ल्यूसी एंड सामने वाले वॉल पे आप अपने टैप्स वगैरह लगा के अपने बेडिंग पर्पसेस फुलफिल करेंगे। लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ स्लाइडिंग विंडो प्रोवाइड करते हुए आप अपनी बैल्कनी को एक्सेस करेंगे। बैल्कनी का साइज 10 फीट बाय 7 फीट का है, काफ़ी अच्छी बड़ी बैल्कनी है। एज पर योर एलिवेशन आप इसको कट कर सकते हैं। ये जो 3 फीट का स्पेस है ये ऑन रोड प्रोजेक्शन है जिसकी डॉटेड लाइन हमने आपको ग्राउंड फ्लोर में दिखाई थी। तो अगर आपको बैल्कनी साइज में अगर आपको छोटी करनी है तो आप इसको 3 फीट को अपना कम ज्यादा कर सकते हैं। ऊपर की तरफ चलेंगे आपके सेकंड बेडरूम की तरफ, लॉबी से एंट्री करेंगे। 10 फीट बाय 15 फीट का आपका बेडरूम का साइज रहेगा। इस तरीके से आपका जो है दरवाजा खुलेगा, सामने देखेंगे यहाँ पे आपकी बेडिंग रहेगी, सामने टीवी पैनल रहेगा। फ्रंट साइड में देखेंगे स्लाइडिंग विंडो रहेगी जिससे आप सेम अपनी बैल्कनी को एक्सेस करेंगे। पीछे देखेंगे ड्रेसिंग प्लस टॉयलेट रहेगा आपका। सो यहाँ से ओपनिंग के थ्रू आप अपने ड्रेसिंग में एंट्री करेंगे। 7.5 बाय 5 फुट 9 इंच का ड्रेसिंग रहेगा। इस वॉल पे हमने अलमीरा दी है, सामने वाली पूरी वॉल पे आप अपना ड्रेसिंग दे सकते हैं। अटैच टॉयलेट है सेम लेआउट के साथ, एंट्री करेंगे वॉश बेसिन है, फिर डब्ल्यूसी है, पीछे आपका बेथिंग स्पेस रहेगा। शाफ्ट के थ्रू ये जो टॉयलेट है ये वेंटिलेट होने वाला है। सो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान था। सेकंड फ्लोर प्लान की तरफ चलेंगे, सेम आप शेयरकेस यूज करते हुए अपने सेकंड फ्लोर में आएंगे। आपका वेटिंग एरिया हमने लॉबी का इस एरिया को डेवलप किया है, 11.5 बाय 9 फीट 4.5 इंच का स्पेस है एज सेम एज ग्राउंड फ्लोर। सो यहाँ से आप अपने मल्टीपर्पज हॉल में एक्सेस करेंगे, रूम में एक्सेस करेंगे जिसको आप एज एन ऑडियो विजुअल रूम भी आप इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। इस एरिया को आप एज एन सिटिंग एरिया यूज करेंगे, यहाँ से आप एक्सेस करेंगे अपने ऑडियो विजुअल रूम के अंदर जो किचन के ऊपर रहेगा। 15 फीट बाय 10 फीट का स्पेस रहेगा। इस तरीके से सी टाइप में आप अपनी सिटिंग करेंगे, सामने स्क्रीन लगा सकते हैं एंड यहाँ पर आप अपनी एल शेप में सोफा लगा सकते हैं, कॉर्नर सोफा लगा सकते हैं। बैल्कनी हमने प्रोवाइड की है आपको 3 फीट की, स्लाइडिंग विंडो के थ्रू आप इस बैल्कनी को एक्सेस करेंगे। इसके बाद आप देखते हैं ये आपका पैसेज रहेगा, इसको आप एज एन स्टोर सेफ के तौर पर इसको यूज करेंगे, पैसेज के थ्रू एंट्री करेंगे, या चाहे तो इसको आप एज एन बेडरूम यूज करते हुए इसको ड्रेसिंग के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। 7.5 बाय 5 फीट 9 इंच का स्पेस रहेगा। सेम लेआउट के साथ हमने आपको टॉयलेट प्रोवाइड किया है जो कि वेंटिलेट होगा आपको शाफ्ट के थ्रू। सो वेटिंग लॉबी के थ्रू आप देखेंगे ये इतना जो एरिया रहेगा हमने एज इन कवर्ड वेरेंडा रखा है, यहाँ पर आप अपनी सेटिंग करके इसको लाइटिंग वगैरह के साथ प्ले करते हुए अच्छा सा वेटिंग एरिया कवर्ड वरेंडे के तौर पर इसको यूज करेंगे, सेटिंग के तौर पर इसको यूज करेंगे। इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। 10 फीट बाय 9 फीट 9 इंच का काफी बड़ा स्पेस हो सकता है, इसको आप चाहें तो एज इन योगा स्पेस मेडिटेशन स्पेस के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। एंड आगे की तरफ आप देखेंगे आपका ओपन टेरेस रहेगा। सो ये हमारा सेकंड फ्लोर प्लान था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं प्लान कैसा लगा। आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप।
साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सो दैट 30 बाय 30 फिट का किसी का प्लॉट साइज हो, कॉर्नर प्लॉट हो, तो वो इस डिजाइन को यूज करके एक अच्छा मकान बना सके। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय दोस्तों।